श्री साई ब्यूटी पार्लर, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, ब्लीच, फेशियल, स्किन ट्रीटमेंट, दुल्हन मेकअप, साइड मेकअप। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनी के फेशियल उचित रेट पर किए जाते हैं। दुल्हन लहंगा, साइड लहंगा, ज्वेलरी किराए पर दी जाती है। और हमारा पता है नमामि कॉम्प्लेक्स, किलेदार मार्केट, महावीरपुरा, ललितपुर। मोबाइल नंबर 8707414900। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आई नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की तरफ, तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। वाराणसी शहर को जाम मुक्त करने के लिए की जा रही कवायद अब धरातल पर उतरती नजर आ रही है। शहर से सारनाथ को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के चलते लगने वाले लंबे जाम से अब जल्द छुटकारा मिलने वाला है। आशापुर रेलवे ओवर ब्रिज पर लोड टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। 15 अप्रैल तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। उधर प्रशासन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को मार्च और अप्रैल में पूरी होने वाली परियोजनाओं की सूची भेज दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में आशापुर ROB का लोकार्पण कर सकते हैं। कोरोना वायरस से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की दिशा में योगी सरकार बड़े कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश के छोटे और पिछड़े माने जाने वाले जिलों में निवेशकों ने निवेश करने में रुचि दिखाई है। इसके चलते बाराबंकी, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर, हमीरपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, जालौन, बदायूं, अमरोहा और गाजियाबाद में कई कंपनियों ने निवेश करने की पहल की है। हरदोई, गोरखपुर, हमीरपुर और बाराबंकी में 4 बड़ी कंपनियां 1583 करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। वहीं अन्य जिलों में रेडीमेड वस्त्र बनाने वाली कंपनियां 940 करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। इस निवेश से पिछड़े जिलों में आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राहुल गांधी अमेरिका में हार्वर्ड केनरी स्कूल के राजदूत निकोल्स बर्न्स के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री होते तो वो विशुद्ध रूप से विकास केंद्रित नीति की तुलना में रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं सिर्फ विकास केंद्रित विचार से नौकरी केंद्रित विचार की ओर बढ़ूंगा। मैं कहूंगा कि हमें विकास की जरूरत है, लेकिन प्रोडक्शन और जॉब क्रिएशन और वैल्यू एडिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कुछ करने जा रहे हैं। सरदना के एक गांव में ट्यूशन जा रही 10वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अब सियासत शुरू होते नजर आ रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर इस मामले को लेकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि अगर स्टार प्रचारक को समय मिले तो कृपा कर इस पर विचार करें। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में दिल्ली और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हाल ही में लंदन के मेयर द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के लिए निमंत्रित किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका लक्ष्य संस्कृति के क्षेत्र में दिल्ली को विश्व नेता और कलाकार के अनुकूल शहर में बदलना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकारों से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मैं कल नंदीग्राम के एक बूथ पर क्यों गई और वहां क्यों बैठी। ममता ने आरोप लगाया कि वहां बाहर से आए सभी गुंडे बंदूक के साथ वहां जमा हो गए थे। वे सभी किसी और भाषा में बात कर रहे थे। बीजेपी के लोग गुंडे हैं। न्यायमूर्ति अमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मली द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में पूरे निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी गई थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उसके दोबारा चुनाव कराने के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। कश्मीर में पुलवामा में सभी आतंकी स्थानीय थे और 3 मंजिला इमारत में छिपे थे। सुरक्षा बलों द्वारा विस्फोटक से 3 मंजिला इमारत को उड़ा दिया, जिसके बाद तीनों आतंकियों को मारने में सफलता हासिल हुई। सुरक्षा कर्मियों को मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। 54 साल छोटी रश्मिका मंदाना फिल्म की शूटिंग शुक्रवार से मुंबई में शुरू हो रही है। अमिताभ बच्चन की जोड़ी फिल्म गुड बॉय में रश्मिका मंदाना के साथ बन रही है।
फिल्म का मुहूर्त शॉट शुक्रवार को मुंबई में लिया गया। रविवार से अमिताभ बच्चन इस शूटिंग का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक भी ले ली है। निर्माता एकता कपूर की इस फिल्म के निर्देशक विकास बहल हैं। फिल्म को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रस्तुत कर रही है। कंधे की चोट के कारण श्रेयस अय्यर को पहले इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों से बाहर होना पड़ा था और फिर मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद अय्यर को आईपीएल के 14वें सीजन से भी बाहर होना पड़ा था। हालांकि अब भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की सर्जरी 8 अप्रैल को होगी, ये सुनिश्चित हो गया है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे ललितपुर लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ताकि ललितपुर की हर छोटी मोटी खबर और देश विदेश की हर खबर आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। श्री साई ब्यूटी पार्लर, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, ब्लीच, फेशियल, स्किन ट्रीटमेंट, दुल्हन मेकअप, साइड मेकअप, हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनी के फेशियल उचित रेट पर किए जाते हैं। दुल्हन लहंगा, साइड लहंगा, ज्वेलरी किराए पर दी जाती है। और हमारा पता है नमामि कॉम्प्लेक्स, तिलेदार मार्केट, महावीरपुरा, ललितपुर। मोबाइल नंबर 8707414900।